हेलो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में जो कुछ भी देख पाते हैं वह सब प्रकाश के कारण है। पर एक प्रश्न जरूर उठता है, प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? हम आज के वीडियो में प्रकाश को समझने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र। प्राचीन काल में प्रकाश का एकमात्र स्रोत था सूर्य। आदि मानव ने प्रकाश के दूसरे स्रोत अग्नि की खोज की। बहुत लंबे समय से यह प्रश्न उठता रहा कि प्रकाश क्या है, पर कोई भी इसकी सटीक व्याख्या नहीं दे पाए। सर्वप्रथम फ्रांस के एक गणितज्ञ और दर्शन शास्त्री पियरे गैसेंडी ने 1660 में अपने एक अनुसंधान पत्र में प्रकाश के कण सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसके बाद 1675 में आइजैक न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसके 3 साल बाद 1678 में क्रिस्टन हाइगेन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यानी न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है, वही हाइगेन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। दोनों वैज्ञानिकों में से किसका सिद्धांत सही है, इसके लिए दोनों वैज्ञानिकों ने उस समय तक ज्ञात प्रकाशकीय घटनाओं को अपने अपने तरीकों से समझाने में सफल रहे, जिसमें पहले नंबर पर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। नंबर 2 पर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। नंबर 3 पर था रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना। और लास्ट था डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का 7 रंगों में बिखरना। प्रकाश की सभी घटनाओं को कण व तरंग दोनों द्वारा सफलतापूर्वक समझने के बाद हम वापस उसी प्रश्न पर आ गए कि प्रकाश क्या है। बस इसका जवाब थोड़ा अलग हो गया। प्रकाश कण है या तरंग है, इस दोनों विचारधाराओं को लेकर न्यूटन और हाइजैक दोनों आमने सामने हो गए। इसी कालखंड में सन 1669 में एक वैज्ञानिक रास्मुस बार्थोलिन ने कैल्साइट क्रिस्टल से एक और प्रकाश की घटना डबल रिफ्रैक्शन यानी द्वि अपवर्तन की खोज की। इस नई प्रकाश की एक घटना को हाइगेन ने अपने तरंग सिद्धांत से सफलतापूर्वक समझाया, लेकिन न्यूटन का कणिका सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। इस घटना के 130 साल बाद 1801 में थॉमस यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रकाशिकी की है एक और घटना इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण की खोज की। वह हाइगेन के सिद्धांत से इंटरफेरेंस फ्रिंजों की सटीक व्याख्या की, लेकिन कणिका सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। सन 1810 में प्रकाश की एक और घटना पोलराइजेशन यानी ध्रुवण को हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा सफलतापूर्वक समझा गया, लेकिन न्यूटन का कणिका सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर पाया और तरंग सिद्धांत न्यूटन के कणिका सिद्धांत पर प्रभावी होने लगा। इसी क्रम में 1818 में अगस्तीन जीन फ्रेजनल ने प्रकाशिकी की एक और घटना डायफ्रेक्शन
यानी विवर्तन की खोज की। वह उसे तरंग सिद्धांत द्वारा समझाने का प्रयास किया। उसी कालखंड में कण सिद्धांत को मानने वाले एक वैज्ञानिक सिमकोन डेनिस पाइसन, जो कि प्रकाश को एक कण मानते थे ना कि एक तरंग, उन्होंने फ्रेजनल द्वारा डायफ्रेक्शन की व्याख्या तरंग सिद्धांत से करने पर उनके द्वारा की गई व्याख्या पर प्रश्न खड़ा किया और कहा कि अगर प्रकाश एक तरंग है तो किसी भी वर्ताकार चकती से विवर्तन होने पर पर्दे पर चकती की छाया क्षेत्र के केंद्र में एक चमकदार बिंदु मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अतः प्रकाश एक कण है ना कि एक तरंग। तरंग सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिक डोमिक्वी फ्रांकोइस जीन अरागो ने जब पाइसन द्वारा उठाए गए प्रश्न के बारे में सुना तो एरागो ने फ्रेनल के वर्ताकार चकती से विवर्तन के प्रयोग को पुनः दोहराया और कुछ समय बाद उस प्रयोग में बार बार प्रयास करने के बाद उन्होंने वर्ताकार चकती के छाया क्षेत्र के केंद्र बिंदु पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त करने में सफलता हासिल की और वेव थ्योरी को सही सिद्ध किया, यानी फ्रेनल के द्वारा वेव सिद्धांत द्वारा विवर्तन की गई व्याख्या सही थी और पाइसन गलत सिद्ध हुए, यानी यहाँ पर भी प्रकाश की तरंग प्रकृति कण प्रकृति पर भारी रही। सन 1862 में महान वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग माना और विद्युत चुंबकीय तरंग की गति भी निकाली, जो कि आज के ज्ञात मान से बहुत निकट हैं। अब तक प्रकाश का तरंग सिद्धांत सभी घटनाओं को समझाने में सफल रहा, लेकिन सन 1880 में तरंग सिद्धांत ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने में पहली बार असफल रहा। ब्लैक बॉडी वह वस्तु होती है जो अपने ऊपर गिरने वाली सभी प्रकार की तरंग धैर्यों यानी वेवलेंथ्स का अवशोषण कर ले और सभी प्रकार की तरंग धैर्यों का इमिशन यानी कि उत्सर्जन भी कर सके, वह ब्लैक बॉडी कहलाता है। सन 1900 में मैक्स प्लैंक ने क्वांटा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रा को समझाने में सफलता प्राप्त की और कण सिद्धांत को पुनः जीवित किया। उस समय यह प्रश्न उठने लगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए कण सिद्धांत सही है तो व्यतिकरण व विवर्तन का क्या होगा, यानी व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाएं तरंग सिद्धांत से व्याख्या की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कण सिद्धांत द्वारा समझाया गया। इसी क्रम में 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटा सिद्धांत से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सफल व्याख्या की, लेकिन तरंग सिद्धांत इसको समझाने में असफल रहा। इसी क्रम में सन 1923 में आर्थर होले कॉम्प्टन ने स्कैटरिंग ऑफ एक्स रे को क्वांटा सिद्धांत से समझाया, लेकिन तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। इस प्रकार पार्टिकल थ्योरी कण सिद्धांत तरंग सिद्धांत पर प्रभावी होने लगा, पर प्रश्न वही रह गया कि प्रकाश क्या है। कुछ लोग उन दिनों कहने लगे कि प्रकाश सोमवार बुधवार और शुक्रवार को तरंग की तरह व्यवहार करता है और
मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को कण की तरह, और रविवार के लिए कुछ कह नहीं सकते। इसी क्रम में 1924 में डी ब्रोगली ने प्रकाश की दैवीय प्रकृति यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी प्रकाश कण और तरंग दोनों हैं। और डी ब्रोगली ने उदाहरण के तौर पर कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ समय तरंग की तरह और कुछ समय कण की तरह व्यवहार करता है। सन 1927 में थॉमसन और डेविसन व जर्मन ने स्वतंत्र रूप से प्रयोगों द्वारा इलेक्ट्रॉन की दैवीय प्रकृति को सत्यापित किया, यानी कि डी ब्रोगली द्वारा बताई गई इलेक्ट्रॉन की दैवीय प्रकृति को प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर लिया गया। अतः इलेक्ट्रॉन कण भी है और तरंग भी, ठीक इलेक्ट्रॉन की तरह है प्रकाश भी ड्यूल बिहेवियर शो करता है, यानी प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। इन सब से हमारा परिणाम निकलता है कि कोई भी प्रकाश को कण साबित नहीं कर पाया, ना ही कोई पूर्णतया तरंग। अतः प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है।